सेलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में जिस एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा मिस करने वाली है, जो कि एक ऐसी जगह छोड़कर अभी फिलहाल गया हुआ है जिसको भर पाना लगभग नामुमकिन है, उसका नाम है रवींद्र जडेजा। सर जडेजा भी उनको प्यार से लोग कहते हैं, ऐसे ही सर जडेजा उनको नहीं बोलते। सर जडेजा ने जिस तरीके से बीते कुछ सालों में लगातार परफॉर्मेंस किया है, लगातार डिलीवर किया है, जिस भी फॉर्मेट में आप उनको खिला लीजिए वो डिलीवर करके ही दिखाते हैं। ना सिर्फ बैटिंग से कभी कोई मैच जिता देते हैं, कभी बॉलिंग से कोई मैच जिता देते हैं, कभी कभी किसी एक फील्डिंग एफर्ट से ऐसा मैच जिता देते हैं जो कि लगभग नामुमकिन सा लगता है, इसीलिए उनको सर जडेजा बोलते हैं। साल 2022 के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो सर जडेजा ने, रवींद्र जडेजा ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, ये तय है कि टीम इंडिया उनको सबसे ज्यादा मिस करेगी। हालांकि उनके जगह पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, लेकिन अक्षर पटेल क्या जडेजा की पूरी कमी पूरी कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर शंका है, क्योंकि बैटिंग में जडेजा जाहिर सी बात है अक्षर पटेल से ऊपर, बॉलिंग में आप दोनों को बराबर कर सकते हैं, लेकिन फील्डिंग में अक्षर पटेल जडेजा का कोई मुकाबला ही नहीं। जडेजा कहाँ है, अक्षर पटेल एक नॉर्मल फील्डर है, अच्छे फील्डर हैं, लेकिन जडेजा जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फील्डर नहीं। तो 3D प्लेयर रवींद्र जडेजा, इसी वजह से टीम इंडिया उनको मिस करे। साल 2022 के अगर आपको मैं रवींद्र जडेजा के आंकड़े बताऊं तो गेंद और बल्ले दोनों से ही उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है। इस साल उन्होंने 9 T20 मैच खेले हैं जिसमें 8 पारियों में शानदार 50.25 की औसत से 201 रन ठोके हैं। इसके अलावा उन्होंने बॉलिंग में 5 विकेट भी लिए हैं और उनका बेस्ट फिगर रहा है जो हांगकांग के खिलाफ हाल ही में उन्होंने लिया था, 15 रन 1 विकेट। जडेजा खुद बहुत मिस करेंगे इस T20 वर्ल्ड कप को। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेले, अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताए, लेकिन जडेजा मिस करेंगे। जडेजा की घुटने की जो सर्जरी हुई है, सक्सेसफुल सर्जरी हुई, उसके बाद उन्होंने खुद इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी अपनी पोस्ट में जडेजा ने लिखा कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है। बहुत सारे लोग हैं BCCI को भी मिलाकर, टीम मेट सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर, फिजियो डॉक्टर्स और फैंस को, जिनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं जल्दी से अपना रिहैब शुरू करूंगा और वापस से क्रिकेट के मैदान पर जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताता है कि जडेजा खुद चाहते हैं कि वो जल्दी से वापस आ जाएं, लेकिन अब क्योंकि इतना कम वक्त बचा है T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर जडेजा का खेलना तो लगभग नामुमकिन है। और जो स्क्वाड अनाउंसमेंट किया गया है उसमें भी जडेजा का नाम नहीं है, उनके जगह पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ग्राउंड में, वहाँ की कंडीशंस में जडेजा और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे और ज़्यादा टीम इंडिया के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे, एक एसेट के रूप में टीम इंडिया के लिए वो साबित हो सकते थे, लेकिन अब जब नहीं है तो फिर टीम इंडिया को दूसरे खिलाड़ियों से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि टीम इंडिया इस खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा मिस करेगी। आपको क्या लगता है रवींद्र जडेजा के न होने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, कॉमेंट करके अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।